हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी स्वीट रेसिपी लेके आई हूँ। वो है बेसन की बर्फी। इस रक्षाबंधन पे हम आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस बर्फी की रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और अपने रक्षाबंधन को खुशनुमा बनाइए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम बेसन और नारियल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, 1 कटोरी शक्कर, 1/4 कटोरी हमने देसी घी लिया है, 1 कटोरी नारियल, नारियल का बुरादा जो मार्केट में इजली मिल जाता है, 2 चम्मच हम सूजी लिए हैं, ये बारीक वाली सूजी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक काट लिया है, 8 से 10 इलायची लिए हैं जिसे हम फूड के पाउडर बनाएंगे, और थोड़ा सा हम फूड कलर यूज करेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें एक पैन ले लेना है और उसमें हम डालेंगे शक्कर, क्योंकि हमें सबसे पहले चाशनी तैयार करनी है। 1 कटोरी शक्कर है तो हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, यानी कि शक्कर से आधा पानी हमें डालना है। गैस को हम ऑन कर लेंगे और इसे मेल्ट होने तक हम तेज फ्लेम पे ही चलाते हुए चाशनी को बनाएंगे, यानी कि शक्कर पिघल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अपनी शक्कर जो है मेल्ट हो चुकी है। अब हम चाशनी को 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमें चाशनी गाढ़ी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट हो चुकी है। अब हम शक्कर को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, यानी कि हम 1 तार की चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो फूड कलर ऑप्शनल है, हलवाई लोग डालते हैं तो मैं भी डाल रही हूँ। अगर आप डालना नहीं चाहें तो इसे ना डालें, थोड़ा बर्फी का कलर अच्छा आएगा, इसके लिए हमने इसे डाला है। आपको मैं फूड कलर डालने के बाद चाशनी चेक करके बता दे रही हूँ। तो ये लिया हमने अंगुली में और दूसरे अंगुली से ऐसे दबाया, हाथ अपना चट चट कर रहा है। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, जैसे कि हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब हम इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चाशनी को हटा के और गैस पे एक कढ़ाही ले लेंगे। कढ़ाही भारी तवे की होनी चाहिए और गैस को फिर से हम ऑन कर लेंगे। तो कढ़ाही अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाही गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो हम इसमें घी डाल के और मेल्ट करेंगे। घी को हमें मेल्ट होने देना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो हम बेसन डालेंगे तो जल जाएगा। तो आप देख रहे हैं अभी अभी घी अपना पिघला है। अब हम बेसन डालेंगे। तो हम यहाँ पे पहले बेसन डालेंगे और घी में अच्छे से भूनेंगे। बेसन डालने के बाद हमें अच्छे से चलाना है, नहीं तो क्या होता है तले में कभी कभी बेसन लग जाती है, फिर तो सारे बर्फी का टेस्ट खराब हो जाता है। अभी तो अपना बेसन ये सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे भूनेंगे फिर आपको दिखाएंगे घी में बेसन अपना कैसे लिक्विड के जैसा तैयार होता है। साथ में हम ये 2 चम्मच रवा भी डाल दे रहे हैं और इसे हम 5 से 6 मिनट भूनने के बाद आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमने 6 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को मीडियम फ्लेम पे भूना है, तो बेसन अपनी लिक्विड फॉर्म में आने लगी है। फिर भी अपनी बेसन में थोड़ी सी कसर है, तो हम 4 से 5 मिनट तक एकदम स्लो गैस पे और अच्छे से पकाएंगे।
क्योंकि बेसन में बिल्कुल कच्चा चावल नहीं रखनी चाहिए और हमें एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है, तभी वो कच्चापन दूर होगा। 5 से 6 मिनट तक हमने फिर से भूना, तो आप ध्यान से देख सकते हैं बेसन का कलर कितना सुंदर हो गया है, इसमें से अच्छी खासी खुशबू आने लगी है और बेसन अपनी एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो ये सारे प्रूफ है बेसन अच्छा भुनने का। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है। और साथ में हम ये इलायची को जिसे कूट के छिलके हटा के पाउडर बना लिया है उसे भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो नारियल को हमने बेसन के साथ भून लिया है, अब हम ये शुगर सिरप जो बनाए थे उसको इसमें डाल देंगे और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। शुगर सिरप गरम गरम डालने से बेसन जो है एकदम खिल के आता है और इससे जब हम बर्फी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। कंटिन्यू चलाते हुए हमें गाढ़ा होने तक चलाना है। तो चाशनी के साथ हमने बेसन और कोकोनट को अच्छे से पका लिया है, ये कढ़ाही छोड़ने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हमने एक ट्रे लिया है जिसमें हम घी डाल के बेस कर लिए हैं। आपके पास कोई भी ट्रे हो, चौरस हो, तो उसे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ट्रे है, हमने इसमें किया है। तो चलिए हम इसमें बर्फी सेट होने के लिए डाल देते हैं। हाथ में हमने ग्लोव्स पहन लिया है क्योंकि कढ़ाही बहुत गर्म है। और फिर हम इसे धीरे धीरे ट्रे में गिरा देंगे। बर्फी को सेट होने के लिए एक ट्रे में ले लिया है, एक स्पेचुला से बराबर क्वांटिटी में चारों तरफ फैला दिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट रखा है उसको इसके ऊपर से डाल देंगे। तो हम ड्राई फ्रूट्स ऐसे फैलाते हुए डालेंगे। आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स डालिए। हम यहाँ पे पिस्ता, बादाम, काजू सबके बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं। अब फिर से हम एक स्पेचुला से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, ये अच्छे से चिपक जाएगा। हमने ड्राई फ्रूट्स को स्पेचुला से चिपका लिया। अब हम बर्फी को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो सेट होना तापमान के ऊपर है, ठंडी है तो जल्दी हो जाता है, गर्मी है तो थोड़ा टाइम लगता है। हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ के चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे बर्फी सेट हुई है कि नहीं। बर्फी को हमने 1 घंटे के लिए छोड़ा था, तो देखिए एक हम हल्का सा कट अभी लगा देते हैं, नहीं तो अच्छे से सेट होने पे हम कट लगाते हैं तो सही सेट नहीं आता है। तो हम एक कट लगाएंगे, बीच से ऐसे हम हल्का हल्का नाइफ से ऐसे कट लगा देंगे। फिर आप अपने मनपसंद साइज का कट लगाइए। तो हमने लंबे लंबे कट लगाए। अब हम ऐसे तिरछे शेप में एक और कट लगा देंगे। बर्फी को हमने 1 घंटे बाद कट लगाया है। 1 घंटा और सेट होने के बाद हम पीसेस निकाल के आपको दिखाएंगे। बर्फी अच्छे से सेट हो चुका है, आपको दिखा दे रही हूँ। आपको जल्दी सेट करना है तो फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो बाहर भी अच्छे से सेट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। अब हम एक नाइफ की मदद से इसके पीसेस निकालेंगे। तो हमने जहाँ पे कट लगाया था वहां पे नाइफ को वापस डालेंगे
और ऐसे धीरे धीरे करके एक एक पीस को निकालना शुरू करेंगे। तो आपको मैं एक बार दिखा दे रही हूँ कितनी बढ़िया बर्फी तैयार हुई है, एकदम हलवाई की जैसे, और खाने में इसका जोड़ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इस रक्षाबंधन पे आप भी इस स्वीट को बनाएंगी। बेसन की बर्फी बनकर तैयार है, इसे आप जरूर बनाइए और टेस्ट कीजिए, और इस रक्षाबंधन पे अपने भाई को जरूर खिलाइए, रक्षाबंधन को हैप्पी बनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये बर्फी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।